ठीक है। अब नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे आप, इसके अंदर नेक्स्ट में हमें करना है प्रोग्राम आपका किसके लिए, जब आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, ठीक है, बीएससी सेकंड ईयर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपना प्रोग्राम बनाना है इसके लिए, ठीक है। जब हम कौन सा कर रहे थे, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहे थे इफ स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, उसके लिए कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं, तो किस यहाँ पे डाल दूँ, कौन सा कर रहे थे हम, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का इफ स्टेटमेंट, अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट, ठीक है, अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट आप बोल सकते हो। उसके लिए हम एग्जांपल इसका प्रोग्राम लिख रहे थे, तो फर्स्ट सी यानी कि फर्स्ट नंबर डाल के हम यहाँ पे फर्स्ट में हम कमेंट करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे बताओगे कि कौन कौन से एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है इसके अंदर, कौन कौन सी कर सकते हैं, ठीक है। यही तो कमेंट की हो गई, तो यहाँ लिखेंगे प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। मैं ये ही क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आपको सभी उसमें डिस्टिंग्विश करना आ जाएगा कि उसमें क्या कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, और मतलब दो तीन जो पहले कर चुके हैं उनमें क्या क्या किया है, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो उन चीज़ों के अंदर, इसीलिए मैं सेम करवा रही हूँ, ठीक है। यहाँ अगर नंबर मांगने तो वो तो सेम ही मांगे जाएंगे, इंटीजर टाइप के करवा रहे हो ए बी और लार्ज को, ठीक है। तो अगर स्मॉल, वैसे इसको कैपिटल में लिखो भाई, ठीक है, और इसको भी, ठीक है, इनको सबको कैपिटल में करके लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट, राइट को स्टार स्टार करके आपको क्या करनी है, यहाँ पे वैल्यू लेनी है, एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट में आप इनको रीड करवाओगे जैसे पहले करवाया था, स्टार स्टार ए बी जैसे पहले रीड करवाया था, सेम वैसे ही आपको इसके अंदर रीड करवाना है, ठीक है। फिफ्थ स्टेटमेंट के अंदर क्या करना है, अब इफ स्टेटमेंट लिख के आपने यहाँ पे क्या करना था, एक्सप्रेशन लिखना था, और फिर यहाँ पे S1, S2, S3 की वैल्यू करनी थी। तो इफ स्टेटमेंट लिख के मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दिया, और यहाँ पे मैंने S1, S2 और S3 की वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब देखना मैं इनको कैसे इन उस स्टेटमेंट्स पे स्विच करवाऊंगी, ये चीज़ देखना, ठीक है। सिक्स्थ स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे 10, थोड़ा सा गैप दे के जैसे सी लिखा है इसके नीचे कर देना, ठीक है, यहाँ पे 10 लिख के। अब अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे सपोज ये आ गया तो लार्ज इज इक्वल टू आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव आ रही है, अगर अगर ये नेगेटिव आई तो इसका मतलब बी छोटा है ए बड़ा था, ठीक है, और बड़े के आगे आपने क्या कर दिया, नेगेटिव लगा रखा है, तो 3 - 4 -1 ही आएगा, तो यानी कि आपका यहाँ से पता चल रहा है ए ही मेरा बड़ा था, ठीक है। सेवन्थ स्टेटमेंट के अंदर आप लिखोगे गो टू 30, यानी कि आपको पता चल गया ये आपका रिजल्ट है, आप सीधा लास्ट स्टेटमेंट पे जाओगे, ठीक है। एट्थ स्टेटमेंट के अंदर 15 लिखा है, इसका मतलब अगर ये इक्वल है तो, अगर ये इक्वल है तो, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड वाले स्टेटमेंट ये तो आपके नेगेटिव बताता है, ये आपका जीरो बताता है और ये आपका पॉजिटिव बताता है, ठीक है। तो 15 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, राइट स्टार स्टार ए एंड बी आर इक्वल। यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि ए एंड बी दोनों इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं बता पा रही मैं कि कौन सा लाज है, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें दोनों ही बताने पड़ेंगे कि दोनों आपके ये हैं, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ स्टेटमेंट में गो टू 40, फिर टेंथ स्टेटमेंट में मैंने देखो S1, S2, अब यहाँ पे S3, यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, लाज, लार्ज कितना हो गया आपका बी, ठीक है। उसके बाद 11th स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे 30, राइट स्टार स्टार द लार्जेस्ट
नंबर इज लार्ज, यानी कि मैंने इस स्टेटमेंट में, आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने गो टू 30 लिखा था, ए लार्ज करवाने के बाद गो टू 30, इसका मतलब जो ए के अंदर, लार्ज के अंदर ए का एड्रेस चला गया, यानी कि जो वैल्यू थी वो इसमें चली गई, तो 30 पे चला गया, तो इसने लार्ज को प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, लार्ज बी, बी लिखने के बाद फिर दोबारा से क्या आ गया, 11 स्टेटमेंट में 30 के उस पे चला जाएगा, इसमें लिख देगा कि भाई ये वाला प्रिंट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 12th में, यहाँ पे 40, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी लिखा है ना कि गॉट, अगर ये इक्वल है तो गॉट, भाई ये स्टेटमेंट ही प्रिंट हो गई उसके बाद, तो फिर और कुछ करने का तो जरूरत ही नहीं है, सीधी किस पे चला जाइए, 40 स्टेटमेंट पे, और 40 स्टेटमेंट मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टॉप, और 13th उसमें क्या हो गया अपना एड। समझ में आया आपको ये पूरा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लेना कि ये क्या क्या चीज़ होती हैं, करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट करवा देती हूँ मैं, नेस्टेड लॉजिकल इफ़, यानी कि एक लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर अगर वो फॉल्स है तो दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाएगा, फिर उसके एल्स अगर वो भी फॉल्स हो गया तो दूसरा उसके फॉल्स में भी एक और इफ, मतलब मैंने टेस्ट कंडीशन लगा दी इस तरीके से, यानी कि एक टेस्ट कंडीशन के अंदर अगर वो ट्रू है तो ख़त्म ही कहानी, फिर तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ गया, अगर फॉल्स है तो फिर दूसरी कंडीशन को चेक करवाए, ठीक है। इस तरीके की होती हैं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। तो फोर्थ इसके अंदर लिखेंगे नेस्टेड लॉजिकल इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिए, व्हेन देयर आर मोर देन टू अल्टरनेटिव्स then we use nested logical if statement. It is multi alternatives selective structure, ठीक है। इसका आप एक्सप्रेशन लिख लीजिए, सिंटेक्स लिखवा देती हूँ, उसके बाद इसका मैं आपको फ्लो चार्ट बनवा दूँगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या बोला है, अगर ट्रू है तो खाली एक ब्लॉक स्टेटमेंट वन हो जाएगी, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो आपको एल्स इफ स्टेटमेंट, आपको याद है जब मैंने खाली आपको क्या करवाया था, जो अर्थमेटिक से पहले वाला था ब्लॉक इफ वाला, उसमें अगर खाली इफ के अंदर मैंने क्या किया था, टेस्ट कंडीशन दी थी, एल्स के अंदर टेस्ट कंडीशन नहीं दी थी, वो खाली एल्स लिखवाया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, एल्स इफ यानी कि एक और टेस्ट कंडीशन, अगर वो ट्रू है तो ठीक है, वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा, अगर फॉल्स है तो दूसरी कंडीशंस को एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। उसके लिए भी मुझे उसकी टेस्ट कंडीशन देनी पड़ेगी, क्लियर है। तो अब इसका लिखो, इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन फर्स्ट, देन यहाँ पे लिख दिया ब्लॉक इफ, यानी कि इस स्टेटमेंट को क्या करवा देगा, एग्जीक्यूट करवा देगा, एल्स इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन टू, देन आपको आपने क्या करवाई, ब्लॉक स्टेटमेंट सेकंड को एग्जीक्यूट करवाया, अगर ये भी नहीं है तो एल्स इफ लॉजिकल एक्सप्रेशन थर्ड को कैलकुलेट करवाओ, देन आपकी ब्लॉक थर्ड एग्जीक्यूट करेगी। इस तरीके से करके लास्ट में कब भी तो खाली एक एल्स बचेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगी, आपकी ब्लॉक एंड कंडीशन को एग्जीक्यूट करवा के क्या करेगा, इस पूरे इफ एक्सप्रेशन को बंद करवा देगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब इसका क्या करना है, आपको फ्लो चार्ट बनाना है, फ्लो चार्ट से इजीली समझ में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने टेस्ट कंडीशन फर्स्ट दे दी, ठीक है, ऐसे लिख लो लॉजिकल एक्सप्रेशन या टेस्ट कंडीशन फर्स्ट, कोई भी लिख सकते हो बच्चे आप इसमें, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो यानी कि मैंने क्या किया, ब्लॉक वन को एग्जीक्यूट करवा दिया, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉल्स है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और
आपका टेस्ट कंडीशन चेक करवाना पड़ेगा। अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब टेस्ट कंडीशन सेकंड को चेक करवाओ, ठीक है। टेस्ट कंडीशन सेकंड को चेक करवाया तो अगर ये ट्रू है तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक स्टेटमेंट सेकंड को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर फॉल्स है तो इसको टेस्ट कंडीशन थर्ड करवानी पड़ेगी। तो इस तरीके से चलते चलते यहाँ पर क्या होगा, हमारा लास्ट टेस्ट कंडीशन जो आपका एन है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर ये हमारे पास क्या है, आपने देखा ना यहाँ पे लास्ट में अगर ये हो गया तो लास्ट आपकी ब्लॉक इन कंडीशन आपकी ये जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, एंड इफ कर देंगे, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। यहाँ पे ब्लॉक एन जो है वो आपकी किसके अंदर आएगा, एल्स के, उसमें नहीं, यहाँ पे। तो फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर ही जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जो इफ है यहाँ पे आएगा ब्लॉक एन, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, तो अगर ये आपका ट्रू है तो ये ट्रू है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक एन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। और फिर इसके बाद क्या जाएगा, ये आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, और ये वाली कंडीशन भी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चली जाएगी, ये भी सीधी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे लेके जाएगा, ये भी सीधी क्या होगी इसकी, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। समझ में आया। अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक फर्स्ट आपकी एग्जीक्यूट करवा के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो आपको एक और टेस्ट कंडीशन क्या करवानी पड़ी, चेक करवानी पड़ी। ये मैंने टेस्ट कंडीशन चेक करवा दी तो मेरी सेकेंड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चली जाऊँगी। लेकिन अगर फॉल्स है तो इस तरीके से मेरे को ये करवाना पड़ेगा, और फिर मैं क्या करूँगी, आपका ये nth अगर टेस्ट कंडीशन चेक हो रही है तो ट्रू पे nth ब्लॉक होएगा, और एल्स पे क्या होगा फिर ये वाला आपका, अगर फॉल्स है तो फिर सीधा क्या करेगा, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये वाला पूरा सिस्टम इसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका चलेगा। अब इसके साथ में मैं क्या करवा देती हूँ आपको, जो मैं आपको वो वाले बता रही थी कि ग्रेटर देन और वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, वो आपके एक्सप्रेशन रह गए हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन कि कैसे कैसे लिखते हैं, इनके साथ में उन लॉजिकल एक्सप्रेशंस को भी लिख लो, ठीक है। यहाँ पे लिख लो रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। जो जो सिंबल्स बता रही हूँ उनके साथ में लिख लेना कि आप कैसे कैसे उन सबको लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट मैं बता रही हूँ ग्रेटर देन, ठीक है। सेकंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, थर्ड लेस देन, फोर्थ लेस देन और इक्वल टू, फिफ्थ इक्वल टू, सिक्स्थ नॉट इक्वल टू, ये सारी हमें नीड रहती हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन के लिए आप लिखोगे डॉट जी टी डॉट, ठीक है। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के लिए जी ई डॉट लिखेंगे, लेस देन के लिए लिखेंगे लेस देन डॉट लिखेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए लेस देन इक्वल टू लिख देंगे, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू है तो एल ई लिख देंगे, ठीक है। इक्वल टू है तो ई क्या लिख के इसको स्टॉप कर देंगे, नॉट इक्वल टू है तो एन ई करके डॉट लगा देंगे, ठीक है। ये तो आपके क्या हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। अब लिख लीजिए लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में तो आपके यही हैं कि भाई नेगेटिव के उसमें आ रहा है या बहुत साइमल्टेनियसली दोनों वैल्यूज को एग्जीक्यूट करवाना हो या एक भी है तो चल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही होते हैं, जैसे आपने 11th 12th में लॉजिक गेट्स करे होंगे ना, तो उसमें नॉट गेट आता है, एंड गेट आता है और गेट आता है। और के अंदर क्या होता है, कोई भी एक चल जाएगा, ठीक है। अगर होएगा तो बोथ के अंदर तो दोनों ही वैल्यू लेनी होती हैं, और अगर आपका नेगेशन है तो उसके लिए नॉट गेट होता है, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, नेगेशन बोथ साइमल्टेनियसली, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आइदर और, कोई भी एक वैल्यू हो तो चल जाएगा, ठीक है। तो नेगेशन के लिए आपको पता है नॉट होता है तो नॉट करके डॉट लगा देंगे। साइमल्टेनियसली दोनों रिजल्ट चाहिए तो दोनों पॉजिटिव, मतलब जैसे उसमें हो तो
एंड गेट लगाएंगे, एक और से चल जाएगा तो मतलब एक उससे चल जाएगा तो और लगाएंगे, ठीक है। तो आपने इनमें से जैसे आपने अभी ग्रेटर देन वो सारी वैल्यूज़ लिखी थी कि भाई कौन सा चेक करवाना है, ठीक है, तो उनके लिए आपको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले मैंने ये लिखवा दिया आपको, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर डू करवा दूँ या गॉट टू स्टेटमेंट करवा दूँ, थोड़ा लेंथी और उसमें हो जाएगा ना, तो उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही कर लेगा, यानी दो लेक्चर और लगेंगे, मतलब एक मैंने आपका वो करवा दिया, ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर हो गया, इसके बाद नेक्स्ट एक और आपका हो जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, गॉट टू स्टेटमेंट और डू व्हाइल लूप, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी हो गया था, खाली यही उसमें लेंथी रह जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, गो टू स्टेटमेंट एंड वाइल, ठीक है। या तो मैं इन दोनों को एक ही दिन एग्जीक्यूट करवा देती हूँ आपकी, ठीक है, फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड पार्ट करके आप ये दोनों लिख लेना, एक दिन का गैप दे दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट डे जो आपका है वो मैं गो टू एंड डू लूप्स का बता दूंगी, ठीक है, तो वो एक दिन हो जाएगा, यानी एक दिन और लगेगा। इतने में आप सोच के कमेंट करके बता देना मुझे कि पहले कौन सा करना है, ठीक है, ऑप्टिक्स करनी है या थर्मोडायनेमिक्स ही पहले कंप्लीट करवानी है, ऑप्टिक्स की फर्स्ट यूनिट करवानी है, ये आप मुझे बता देना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।